हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। बहुत बड़ी खबर कल आई, वो ये थी कि अब बाहुबली के लेवल पे एक और फिल्म बनने जा रही है। ऑफ कोर्स उसका बजट, बाहुबली 2 का जो बजट था 250 करोड़, उससे दुगना है। जी हाँ, 500 करोड़ के ऊपर की ये फिल्म बनने वाली है। ये अनाउंसमेंट हो चुकी है, कल की ही खबर है। और कहीं ना कहीं इस खबर के हिसाब से पता लगा कि जो मतलब दो तीन जो प्रोड्यूसर्स हैं, अलू अरविंद, नमित मल्होत्रा एंड मधु मंतेरा, इन तीनों ने हाथ अपने जोड़ लिए हैं इस फिल्म के लिए। यानी कि ये तीनों चाहते हैं कि इस फिल्म को जो डायरेक्ट करे वो 2 से 3 डायरेक्टर मिलके डायरेक्ट करे। और कहीं ना कहीं ये 3D में होगी फिल्म, शॉर्ट हो की जाएगी 3D, मतलब एकदम डिटेल्ड वे में। और 3 पार्ट की ये फिल्म होगी, जैसे बाहुबली का 2 पार्ट था, तो ये 500 करोड़ का बजट होगा 3 पार्ट का। और ये कहीं ना कहीं रामायण को, जो बहुत पुराना हमारा जो बुक है, टेक्स्ट है, और उसे सिनेमा पर्दे पर लाया जाएगा। तो बहुत बड़ा ये काम करने के लिए रेडी हो गए हैं प्रोड्यूसर्स। उन्हें भी बिलीव हो चुका है कि ऑडियंस देखनी चाहती है चीज़ें। अफकोर्स थोड़ी अच्छी इस तरह से चीज़ें हो तो ऑडियंस ज़रूर देखना चाहती है। इससे पहले हमने रामायण वगैरह जो देखा था, सबसे फेवरेट हमारा था जो दूरदर्शन पे आता था, अरुण गोविल, जिसमें राम बने थे और सीता बनी थी दीपिका। तो ये जो रामानंद सागर का था, उसके बाद हमने कभी देख नहीं पाए कि इस तरह का रामायण, मतलब अफकोर्स फिल्में ज़रूर बनी है एनिमेशन में हो चाहे अलग तरीके से, लेकिन प्रॉपर जो एक बोलते हैं ना एकदम दमदार जो फिल्म अभी तक बननी चाहिए वो नहीं बन पाई थी। और ये 3 पार्ट में बनेगी ये फिल्म, तो देखने वाली बात होगी इसे डायरेक्ट कौन करेगा, क्योंकि कोई ना कोई SS राजामौली जैसा ही डायरेक्टर इस फिल्म को जस्टिस दे सकता है। आपको क्या लगता है इस फिल्म के बारे में जो बनने वाली 500 करोड़ में, आप जरूर बता सकते हो। चलिए, अब तक के लिए बाय बाय।